हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों के साथ चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, आरएसएस की विचारधारा ने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैलाने का काम किया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुड़ी नीचे। हम अपनी बात मीडिया में रखें, मीडिया वाले अरे भैया मुड़ी हमारी बात को दिखाते नहीं। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है, मीडिया तो अदानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का तो नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती, इसलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। और यात्रा में से हम दोनों की विचारधारा का एक नारा निकला, किसी ने लिखा नहीं, अपने आप भीड़ में से एक नारा निकला। एक आदमी आता है मेरी ओर दौड़ते हुए आता है, मुझे कहता है राहुल जी, ये आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बताओ क्या कर रहा हूं। कहता है आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। और यही हमारी विचारधारा है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बैठे हैं वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुश ही नहीं होते, नफरत फैलाते हैं। और 24 घंटा किसी ना किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करें। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलके एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। यात्रा में हमने हजारों लोगों से पूछा कि भाई देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है, इसका कारण क्या है। किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, और सब ने कहा राहुल जी नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है, आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय,
युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, जवानियां देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा।